आजकल ना गाइस नई चीज कर रहा है, मैं करके दिखाती हूँ ना। तो ऐसे करना शुरू कर देते और मेरे हाथ में मेहंदी रखी और बोला मुट्ठी बंद कर ली। मैंने मुट्ठी बंद कर ली, कह रही लग गई मेहंदी, मैंने पहचान लिया। और फिर जब बच्चा गर्म होता है ना, उसको कभी भी इतनी गर्मी में नहीं रखते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज क्या हुआ मेरे साथ ना, 3-4 दिन से यही हो रहा है कि सो नहीं पा रहे हैं रात को टाइम से ना, तो सुबह सुबह 8 बजे उठना पड़ रहा है, तो नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो बस अभी जस्ट मैं चार बच्चों के मैं अभी जस्ट उठी हूँ और आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ इस न्यू व्लॉग में। और जैसे आप प्यार दे रहे हैं व्लॉग को, ऐसे ही देखते रहिए। अंजी वेदा जी गाँव सोना जी कुत्तू पाए, ये आधा टीका तो आपका है अभी, आधा टीका कहाँ गया? लो दिखाओ एक बार, मुंह दिखाओ, आपका मुंह ठीक हो गया? दिखाओ पहले दिखाओ, आकर के दिखाओ, दिखाओ। तो अभी ना पहले से अयान को थोड़ा जो रिलीफ है अल्सर से, जो इसको छाले हुए ना मुँह में, उससे थोड़ा इसको आराम बढ़ गया है, क्योंकि मैं डेली इसको दवाई लगा रही थी माउथ के अंदर। पर ये क्या करता है ना, बच्चों का पता नहीं क्या होता है, इसको जैसी दवाई ऐसे खा जाता है दवाई को। तो गाइस अपने बच्चों को ना टीथर की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ना रैटल्स को पकड़ने लग गए हैं, टॉयज को समझने लग गए हैं। तो मैंने ना अभी एक नया टॉय का बॉक्स खोला, तो मैंने पहले सबसे पहले बच्चों का जो जिससे बॉटल क्लीन करते हैं ना, वो लिक्विड डाल के सारे टॉयज को अच्छे से ना वॉश कर दिए। पीने वाले पानी के साथ ना इनके जो टॉयज है ना, वो मैं सोचू हल्का सा बस एक बॉयल दे दूँ, ताकि बच्चे मुंह में डाले ना तो फिर इन्फेक्शन का डर ना हो। तो महादेव जी ने कृष्णा को दिया है आशीर्वाद, क्योंकि कृष्णा और जैद दोनों बहुत तकलीफ में थे। इसका जो है ना दूध पीना बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि इसके अल्सर से है ना इसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, रोता था बहुत ज्यादा। भगवान ने धीरे धीरे ठीक कर दिया है और दवाई का असर भी हो गया। और यहाँ पे ना दुआ के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, पता नहीं क्यों इसके साइड साइड पे ना कट पड़ गए हैं, जैसे गर्दन पे कट पड़े थे वैसे पड़ गए। तो इसको नारियल का लगा लगा के ठीक कर रहे हैं, और जैद भी हमारा भी बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। इसमें से गाइस ऐसे विक्स जैसी वो आती है खुशबू, मैंने तो टेस्ट भी करी थी, गोलू ने तो टेस्ट भी करी थी। मैंने गोलू को एक बार बोला, मैंने कहा गोलू इसको टेस्ट करी और जेल जैसी लग रही है, तो गोलू ने टेस्ट करी, कह रही है जैसे विक्स नहीं होती वैसी है। पायल अपना नया टॉय देख छोड़ नहीं रहा, और उसने पकड़ा भी गया इसने हाथी मामा। हाथी मामा, हाथी मामा, वेयर आर यू? ये देख क्यों फेंक है, अभी हाथ में था। इसके हाथ में ग्रिप बन रही है उसकी, इसकी ग्रिप नहीं बन रही। तुम क्या मंगाया था ये? पायल इसने ऑनलाइन पैसे देके मंगाया था, बाकी तो मैं गुड प्राइस पे आए थे गिफ्ट ना, ये इसने पैसे देके मंगाया। बच्ची क्या क्या चपाएंगे, दो मंगवाए थे पायल। बाबू छोड़ देखियो, अब मेरे अंदर यहाँ पे होल्स है ना, अपनी उंगली फंसा ली अंदर, मुझे शुक्र है देख लिया। तू बस तेरे को जाने नहीं देगी, कहेगी मम्मा पहले मुझे सुलाओ उसके बाद जाओ, कहीं भी जहाँ जाना है। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों को सुला देते हैं फिर निकलते काम के लिए। छोगी क्या आजकल लगा जी नई चीज कर रहा है, मैं करके दिखाती हूँ ऐसे कर रहे हैं। इसका ना मैंने मीनिंग देखा था गाइस, डॉक्टर ऐसे बताते हैं जब बच्चे बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसे करना शुरू कर देते हैं। गाइस पहले आप इसे देखो फिर इसे देखो, कभी कभी ऐसे करते हैं। जो हमारी ये लड़की है ना, ये बहुत गुस्से वाली है, पता नहीं इसे क्यों इतना गुस्सा आता है। तू बशवाइल, इसकी अपनी मर्जी होगी तब करेगी वरना नहीं करेगी। मेहंदी जब मेहंदी तो हमारा एक चीज अच्छी है, इंस्टेंट वाली लगा रहे हैं, इंस्टेंट वाली देखूंगी, अगर लग गई तो ठीक है, तो घर में गोले गोले होते हैं। हाँ गोले और ये भरते हैं वो कर। तो आज ना मुझे ना मेरी दादी की याद आ गई, मेरी दादी थी ना तब, तो मेरे को एक बार मेहंदी लगाने का बड़ा मन करा था, मैं दादी को बोला दादी मुझे मेहंदी लगा दो, तो दादी ने क्या किया मेहंदी घोली और मेरे हाथ पे मेहंदी रखी और बोला मुट्ठी बंद कर ली। मैंने मुट्ठी बंद कर ली, कह रही लग गई मेहंदी। वो ना ऐसे डिजाइन बन जाता है, ऐसे करके मुट्ठी बंद करते हैं। हाँ, तो आधी मेहंदी यहाँ आती है, यहाँ गैप आ जाता है और यहाँ आती है, ऐसे लगा दी, कह रही लग गई मेहंदी। तो तीनों बच्चे ना टाइम से सो गए, तो हम लोग निकल गए घर से। अब निकल तो गए हैं पर ये नहीं पता कि जाए कहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को सूट देनी है और सूट ऐसी जगह पे देनी है कि ना जिसकी फिटिंग अच्छी हो, क्योंकि ना लेडीज को अक्सर ये दिक्कत रहती है कि सूट की जो फिटिंग अगर अच्छी नहीं होती ना तो पूरी लुक खराब हो जाती है। और जो हमारा सूट है ना वो भी अच्छा वाला है, पायल क्रेप का है ना सारे, नहीं क्रेप नहीं है, क्रेप के साथ एक और है, मैं नाम भूल जाती हूँ, मसलिन, मैं हमेशा मुस्लिन बोलती हूँ, मसलिन। तो सारे के सारे जो सॉल्यूशंस है ना वो हमें मिलते हैं वीआईपी रोड से। तो वीआईपी रोड पर हम आ गए, तो एक बुटीक नजर आया, अक्सर हम यहाँ पे आते हैं तो नजर आता है, तो अभी देखते हैं सूट देते हैं उनको।
तो यहाँ पर ना मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पायल से सजेशन ले रही हूँ कि कैसा गला रखवाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है स्लीवलेस पहनूंगी तो मैं कहीं ज्यादा मोटी ना लगूँ, और लेंथ तो मैंने इतनी रखवाई है पायल है, जैसे मैंने काम कर सेम ऐसे ही करवा ली, पर ना इसकी बाजू जो है थोड़ी लंबी लग रही है, मुझे शॉर्ट करवा ली, इतनी में तो अनकंफर्टेबल रहेगी, तो इतनी 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 तो बीच में नहीं हो पाएगी, ये तो इतनी होगी, ये तो इतनी होगी, चल देख लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना सूट ना ऐसे पसंद है थोड़े लूज लूज से, क्योंकि मैं फिटिंग वाले सूट पहनती हूँ ना, तो अक्सर मैं फाड़ देती हूँ सूट, तो जब से प्रेगनेंसी खत्म हुई है ना तब से ना सूट में इतना कंफर्ट लेवल लगता है ना, कि अब हम सोच रहे कि ना सूट ही लिया करे, मतलब कि ना अनस्टिच सूट लिया करे, और महीने में दो सूट लिया करे, एक मैक पायल, और हर महीने एक अच्छा सा नया सूट लिया करे पायल, ठीक है ना। तो गाइस हमारा सूट का काम तो हो गया है, सूट दे दिया हमने स्टिच करने के लिए, अभी मैम ने बोला तो 19 को दे दो, पर वो कह रहे हम आपको बता देंगे, कोशिश करेंगे, बाकी मैं नंबर लेके आई हूँ, दो बार कॉल कर दूंगी कि भैया कर दो कर दो कर दो। तो फिलहाल ना मैं और गोलू जा रहे हैं उस बच्चे के लिए जिसके लिए हमने बोला था ना कि कपड़े देके जाएंगे, तो हमने तो काफी कमेंट मेरे पास ये आए थे कि आप ना अभी 6 महीने से पहले अपने बच्चों के कपड़े मत देना, तो मैं अभी वो कपड़े नहीं दे रही हूँ, मैं नए कपड़े लेके दे रही हूँ उस बच्चे के लिए, क्योंकि जब मैंने बोला था ना कि मैं लेके आऊंगी तो फिर बनता है एक बार लेके जाने के लिए, तो बस मैं और गोलू आए हैं उसके लिए कपड़े खरीदने, कुछ रेटल्स लेंगे, कुछ इसका वो क्या कहते हैं टॉयलेटरी एसेंशियल्स, बेबी एसेंशियल्स जो भी होता है वो भी लेंगे। पायल एक बात बोलूं, ये अच्छा भी लग रहा है क्योंकि क्या है कि सर्दी में आगे काम आएगा ना पायल, हम लोगों ने ये चीज अच्छी करी, एक ड्राई शीट भी ले ली और एक ही टॉयलेट शीट भी ले ली, है ना, दोनों ले ली, क्योंकि ड्राई शीट ना बोलने को बोलते हैं पर इसमें अगर एक दो बार सुस हो जाता है ना थोड़ी गीली हो जाती है, और मैंने तुबा के लिए ना यहाँ से ये लिया है, बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ तुबा के पास है भी नहीं ऐसी स्लिप वाली। तो गाइस यहाँ पे ना 3 डब्बे चॉको पाए, साथ में ये बिस्किट सारे हमने ले लिए बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर पायल 2 छोटे बच्चे और है, एक बेटा एक बेटी भी है, उनके लिए हमने खाने पीने का ले लिया है, और जो छोटा बच्चा उसके लिए डायपर और वाइप, ड्राई शीट और कैप मिटेंस और वो लिया हमने, रैटल्स सब कुछ जितना भी सामान था सब ले लिए। तो गाइस जितनी भी शॉपिंग होनी थी ना वो सारी की सारी हो गई है डन, बस अब यहाँ से निकलते हैं और पायल चलते हैं बच्चों के पास, बाकी दूसरा पायल डायपर के दोनों पैक न्यूबॉर्न लिए ना, चेक कर न्यूबॉर्न। और ना जाते सबसे पहले मुझे ये पूछना उनसे कि बच्चे को जो है आईज के टेस्ट के लिए आप लोग लेके गए हॉस्पिटल के, नहीं लेके गए, हॉस्पिटल से निकलते हुए डॉक्टर्स ने बोला था कि जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं ना वक्त से पहले, उनके ना आईज का और ईयर का मतलब कान का टेस्ट होता है कि उन्हें अच्छे से दिखाई देता है कि सुनाई देता है, तो वो उन्होंने करवाया कि नहीं करवाया, सबसे पहले जाके वो मेरे को पूछना है, अगर नहीं कराया होगा तो मैं उनको भेज दूंगी, क्योंकि देखो मैं भी बार बार हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती उस बच्चे को, जाना तो उनको ही पड़ेगा, पर जो भी कुछ होगा वो मैं बोल दूंगी कि आप टेंशन मत, वो मैं कर दूंगी, पर आप एटलीस्ट बच्चे को लेके तो जाइए डॉक्टर के पास। तो हम लोग ना अंदाजे से आ तो गए हैं, तो ना गली में कंफ्यूज हो रहे थे कि ये गली है वो गली है, पायल कह रही है कि गोलू मुझे रस्ते याद रहते हैं ये वाली गली है, तो इस गली में आ तो गए हैं, उस टाइम क्या था हम रात को आए थे, अभी है सुबह मतलब की शाम, अब मेरे को लग रहा है ये वाला घर है। आंटी कहाँ हो आइए, ये है घर ना, मिल गया ना, आ गए आपके घर, देखा मैंने पहचान लिया, माय स्मार्ट माइंड, तेरा स्मार्ट माइंड, मैं लेके आई हूँ आगे तक, भैया मैंने बोला था आगे चलो भैया, घर तो मैंने पहचाना, थोड़ा दूर, उसी बेटी का आपकी ये ले बेटा, नहीं बंद कर दो, कोई नहीं बंद कर, गर्मी हो रहा है, गर्मी नहीं लग रही, नहीं इसको तो गर्मी बोल रही है, नहीं आज ना वो देखना थोड़ा उसका शरीर भी गर्म लग रहा है, तो आप लेके नहीं गए हॉस्पिटल, नहीं मतलब सुबह वैसे तो ठीक था, सुबह से थोड़ी तेल वेल लगाया था ना मालिश करी, तो क्या पता उसके वजह से गर्म आई की वजह से हो रहा हो, ओ बड़ा लग रहा है ना, नहीं ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, और फिर जब बच्चा गर्म होता है ना उसको कभी भी इतनी गर्मी में नहीं रखते, उसे हमेशा जैसे हमें हमारा शरीर होता है ना, वैसे हमें डॉक्टर ने समझाया था जैसे हमारा शरीर होता है वैसे ही बच्चे का शरीर होता है, हमसे एक कपड़ा ज्यादा, जैसे हमने सूट पहन रखा है, आपने नाइटी पहन रखी है, नाइटी के ऊपर चुन्नी ले रखी है, अब इसने कपड़े पहन रखे हैं डबल डबल, आपने फिर कंबल भी दे रखा है, फिर आपने ये भी दे रखा है, तो उसे और गर्मी होगी ना, इसको बोल रहे थे गर्मी में, बोल रहे थे मतलब कि छाती से लगा के इसे गर्माई रोज देनी है, अगर ज्यादा ठंडी में नहीं रखना, गर्माई में रखना है इसको, अभी ठीक है ना ये, आपने इसका आंखों का टेस्ट कराया 1 महीने बाद, बोला क्या नाम रखा इसका, नाम नहीं रखा, आप ही लोग बताओ, हाँ हमारे पंडित जी को बोला हुआ है, पंडित जी कल बताएंगे हमें, ये लो ये इसके लिए लाए हम सब ना, ये इसके लिए वो लेके आए हैं सारा शैम्पू वैम्पू सब कुछ, अभी तो नहीं नहाएगा, नहाएगा तो थोड़ा लेट, ये इसके लिए डायपर लाई हूँ कभी बाहर जाने के लिए ना, 2 पैकेट लाई हूँ, ये लो ये भी आपके लिए लाई हूँ मैं, ये भी आपके लो दोनों के, ठीक है, और देखो इसके लिए गरम वाला सेट भी लेकर आया, अभी आगे सर्दी आ गई ना, जैसे अगर आपको गरम पहनाना हो कंबल ना उड़ाना तो ये भी पहना सकते हो ना, और ये इसका बिब लेके आई हूँ, ये इसका एक ब्लैंकेट लेके आई हूँ थोड़ा वार्म वाला, बाकी कपड़े और इसके लिए तकिया, तकिया की भी ना नहीं है ना, तकिया से सर की शेप सही रहती है, ये तकिया की भी ना मसला नहीं, तकिया लगा दो, तकिया बारिश की टोपी भी लेके आए ना, हाँ टोपी भी लाए हैं,
ये इसके हाथ का और पैर का और टोपी पर रंग भी थोड़ा सा पहले से ना ढल गया ना गया। वो क्योंकि सेम देख हमारे साथ भी हुआ था, हमारे बच्चे जब निक्कू में थे ना तब एकदम सही थे, फेयर फेयर थे, थोड़े टाइम पर रंग ढल जाता है ऑटोमेटिक। इसको रैशेस तो नहीं हो रहे? नहीं। ये इसका शैम्पू है, ठीक है, ये इसका मसाज ऑयल है, ये वाइप्स जैसे साफ करने के लिए, ये इसका डायपर रैश क्रीम है, डायपर लेके आए ना, ये साबुन है, ये लोशन है बॉडी पे लगाने के लिए, ठीक है, और ये पाउडर है। साइज नहीं मिलेगा इसका ना, तो मैं थोड़े बड़े लेके आई, थोड़े गर्म लेके आई हूँ ताकि काम आ जाए। जैसे ये बार बार टॉयलेट कर रहे हैं ना तो नीचे के कपड़े गीले होते होंगे, ये शीट बिछा लेना अगर तो। ये वाली जो शीट है ना टॉयलेट की है, इस पर आप ना कोई भी कपड़ा बिछाओगे ना सुसु जो है नीचे नहीं जाएगा। या तो आपने ये बिछा लिया दो तीन बार, या तो आपने फिर ये बिछा लिया। इस पर आप मालिश भी कर सकते हो ताकि आपकी बेडशीट खराब नहीं होगी, इस साइड से बच्चे को सुला भी सकते हो, ठीक है, दोनों साइड से काम। बाय बाय बाय, रटल से खेल रही है, बच्चे खुश हो जाते हैं, देखो टॉयज थे ना, ये बात तो है। वो तो अभी वो बच्चा तो खेल नहीं पाएगा, चल हम ले आए, इनके काम तो आएंगे कम से कम। तो तूबा के लिए ना ये ना स्लिप लिए, साथ में ब्लूमर लिए, क्या क्योंकि क्या हुआ था, तूबा जब भी कोई फ्रॉक पहनती है ना तो वो लड़कों वाले जो बनियान होती है ना वो पहनती है, जो इसके दोनों भाई पहनते हैं, तो उसकी फिर दिखती है ना फ्रॉक से साइड दिखती है, अच्छा नहीं लगता, तो अभी इसलिए स्लिप भी ले लिए साथ में ना, जितने भी ब्लूमर थे ना उसपे सब ने ना सारे ब्लूमर पे जैद और अयान ने कब्जा कर लिया, तो उसको ब्लूमर आता नहीं कोई भी, तो उसके लिए मैंने ना चार ना ब्लूमर लिए, दो पिंक एक ब्लू और एक ग्रीन। तो जैसे हमारी तूबा की हेल्थ ठीक हुई है ना, मतलब कि 1.5 से 2 महीने लग गए तूबा को ठीक होने के लिए, वैसे जो हमारा निकू वाला बेबी है ना उसकी भी थोड़ी सी हेल्थ जो है ना 1.5 से 2 महीने तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखो प्रीमेच्योर बेबी है और टाइम लगता है ना अडेप्ट करने में, एनवायरनमेंट कुछ चेंज हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे ना मतलब कि मदर मिल्क लेगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमारी ना किसी भी गाड़ी में कभी भी पेट्रोल नहीं होता, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं ना ऐसा होता है बस 1 किलोमीटर चलेगी 2 किलोमीटर चलेगी, तो अभी पेट्रोल हो गया खत्म, पेट्रोल डलवा लेते हैं। और साथ ही साथ ना बहुत अच्छा लगा उस बच्चे को ना रैटल के साथ खेलते हुए देखकर ना, और पंडित जी ने बच्चे का नाम जो है ध और बा से बताया, ध और बा। अगर आप लोगों को कई प्यारे प्यारे से नाम पता हो तो जरूर बताना, मैं उनकी मम्मी को बताऊंगी, अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो रख लेंगे। वैसे मेरे को जो पसंद आया धा से, क्योंकि धा बहुत अच्छा नाम है, धनुष हमारे एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जो साउथ साइड से, उनका नाम है धनुष, बहुत सुप्रसिद्ध है वो एक्टर, तो मैं भी चाहती हूँ बच्चे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, तो मेरी तरफ से तो धनुष रखने का सोच रही थी मैं, बाकी आप लोग बताना। गाइस मुझे ना धर से फटाफट एक नाम याद आया, धीरज, क्योंकि हमारे ना धीरज भैया हमारे मैनेजर, और पायल कहती नहीं गोलू धनुष अच्छा है, धनुष अच्छा नाम है और थोड़ा सा पायल यूनिक नेम है धनुष ना। अभी अभी ना मैं ये चीज सोच रही हूँ मैं और पायल की, अभी चीकू को पता नहीं है, हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे, अगर चीकू को पता चल गया ना वो इतना गुस्सा होगा, इतना गुस्सा होगा ना, उसको मनाना ना मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये तो शुक्र है चीकू हमारे व्लॉग्स नहीं देखता पायल, सही बात है। तो गाइस आज ना सुबह मैंने अपने लिए और पायल के लिए ना बहुत ही प्यारी वेट लॉस की जो डाइट है वो बनाई थी, और मेरे दिमाग से निकल गया उस डाइट को यहाँ पर दिखाना, ब्लॉग में दिखाना, तो वो अगर आप लोगों को वो डाइट जाननी है ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जरूर चेक करना। तो फिलहाल हम लोग घर पहुँच चुके हैं, अब देखते हैं बच्चे जो है जाग गए हैं क्या। तो रात के ना 9 बज गए हैं और इस लड़की को मैं कितनी देर से बुला रही हूँ कि आ जा बेटा फटाफट खाना खा ली, क्योंकि टाइम हो गया 9:14, उसके बाद सोना है। हीरो बन के कहाँ गया हुआ था? नीचे। अब खेल लिया, दौड़ लिया, अब खाना खा लो। आपकी फेवरेट भिंडी बनी है? फेवरेट नहीं, दाल बनी है। आपको भिंडी भी तो पसंद है? हाँ भिंडी भी पसंद है।